मेरा नाम रविंदर सिंह उपल है, मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब इलेक्ट्रॉनिक्स का एसोसीएट प्रोफेसर तो उत्थे बकायदा हैड ऑफ डिपार्टमेंट की ड्यूटी निभा रहा। मैं PTU वालों मौका मिले कॉलेज वालों IIT कानपुर च ह्यूमन वैल्यूज से वर्कशॉप करन दा। उत्थे वर्कशॉप के दौरान सर गणेश सर क्लास लै रहे थे, तो एक दिन मैं मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ के कुछ तकरीबन 2 बजे तक समा सी, तो मेरे को एक किताब सी जो कैनेडा के ऑथर ने वो सिक्खी मुताबक जीवन जाच से किताब सी, तो मैं साजरे उठ के उन्होंने पढ़ रहा है। वो पढ़द्या पढ़द्या मैं गणेश सर के क्लास नोट्स ले थे, वो भी पढ़न लग गया, तो एक घंटे बाद मैं एकदम ही हैरान हो गया कि जो किताब की जीवन जाच से बड़ी उच्च कोटी की किताब सी, तो जो गणेश सर क्लास कह रहे थे वो एकदम एक ही लाइन फॉल कर लगा, तो मैं सोचने लग गया कि यह मेरा धर्म है, तो ये सर जो कह रहे हैं ये तो एक ही होता जा रहा। तो मैं उसी गल मन च रख के 4 बजे तक वॉक की थी, फिर आके मैं 4 बजे तो बाद वॉक करके तो सैकेंड लास्ट डे थी, तो मैं सर की क्लास अटेंड कर रहा, कोई 12:45 बजे सर ने जब सारी गल खोली तो उ जो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि यूनीवर्स की गल की करद्या करद्या उन्होंने गल को पूरा ही साइंटिफिकली प्रूव कर दिता कि ये इंसान है, ये ह्यूमन वैल्यूज ने, तो ये ह्यूमन वैल्यूज ना जिहड़े जीए ने लोग जिन्हों पूर्ण पुरश या महापुरश कहा है वो इस तरह जीए ने, इस करके उन्हों की मान्यता है। तो मैं इस गल से हैरान हो गया कि साइंटिफिकली जिहड़ी गल मैं इन्ने साल तो कर रहा सी, मेरा अटुट विश्वास से कि उन्होंने साइंटिफिकली भी अप्रूव होगी। तो मैं हौली हौली उस बाद 15-20 दिन महीना जब मैं घर आया तो हूँ ये फलसफा मैं बिल्कुल ही क्लीयर हो गया है कि ये महापुरश ये जो ह्यूमन वैल्यूज न जो सत्कार जो तरीके जीए ने उ गल्ला ह्यूमन वैल्यू में ये गणेश सर नागरा सर की इन्नी अनथक मेहनत न साइंटिफिकली तौर पर इस जन इस संगत को दसिया जा रही, तो मेरा फलसफा मेरा जीवन आज बहुत ही सुखी है, तो मैं अपने धर्म से ह्यूमन वैल्यूज लैके जी रहा, तो मेरा जीवन बहुत बदल गया है तो बहुत सुखी है। तो मैं चाहता है कि इन दोनों चीज़ों इन दोनों फलसफियां जो बहुत ध्यान से गौर देखोगे तो एक ही हैं। धन्यवाद।